कॉम्बिनेशन। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है, पहले आपका नाम परम्यूटेशंस अलग होते थे और कॉम्बिनेशन का चैप्टर अलग था, इसलिए मैंने पहले इसको लिखा, अब इसको कंबाइन करा दिया। अब हम कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं। तो ना कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन करना, करो मींस ग्रुपिंग, एंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन स्मॉल एन थिंग्स टेकन आर स्मॉल आर एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय, इसको सी एन आर लिखते हैं ऐसे, या और इसको आपका एन सी आर ऐसे लिखिए, और ये दोनों ही एन एन आर दोनों ही, जैसे क्या करते थे पी में, आपका क्या करते पी एन आर लिखते थे परम्यूटेशन में, इज इट क्लियर? उसके बाद इसको क्या लिखते थे आप, एन पी आर ऐसे लिखते थे, या तो आप ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे, और जब आप इसको ओपन करते थे तो फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस आर होता था। लेकिन यहां इसको जब आप ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर, ये आप एन सी आर को जब आप ओपन करेंगे ये होगा, और परम्यूटेशन को जब आप ओपन करते हैं तो ऐसे होगा, क्लियर? और ऑल्सो अगर सी एन एन है आपका, देखो सी एन आर की जगह में भी अगर आपका एन होगा, इसको जब आप ओपन करेंगे एन ओवर एन एन माइनस आपका क्या होगा एन आपका, तो फैक्टोरियल एन ओवर, तो देखो फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल जीरो हो जाएगा, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू आपके ऊपर इससे वन अपॉन वन, चलिए इसका मतलब द वैल्यू ऑफ सी एन एन या इसको और एन सी एन इज इक्वल टू बट इट, और अगर आपका नाम सी एन कॉमा जीरो होता, यानी कि आप क्या करेंगे एन सी ओ आप करेंगे जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल जीरो और आपका एन माइनस जीरो हो जाएगा, इसका मतलब फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल जीरो का मतलब वन एंड दिस फैक्टोरियल, ये खल्लास आपका देखो वन, यानी कि सी एन एन इज इक्वल टू सी एंड जीरो एंड बोथ हैव द वैल्यूज आपका वन, क्लियर हो गया? फाइन, ओके। अब कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स जो आप एन सी आर लिखते हैं इसको जब आप ओपन कंप्लीट करते हैं तो एन एन माइनस वन ऊपर वाला फैक्टोरियल एन को देखो आप, जब आप खोलेंगे कहीं भी आपका एन माइनस वन एन माइनस टू डैश 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 करते हैं आपका, तो लास्ट में आपका क्या एन माइनस आर और प्लस वन इक्वल टू ओवर, नीचे जब आप जाएंगे वन टू थ्री और ये तो आर है, अब आर है तो देखो आपका ये ऐसे खुलता है, ऐसे भी आपका समटाइम्स इट इज इजियर टू अप्लाई इन द फॉर्म ऑफ ऐसे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग चेन्स को अगर आप देखेंगे। दूसरा, अगर एन सी आर है और प्लस एन सी आर माइनस वन है, इसको सॉल्व करके जो आएगा एन प्लस वन सी आर आएगा, इन दोनों को अप्लाई वगैरह करेंगे, और उसके बाद द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम एन सी आर, एन सी आर इज ग्रेटर, ये ग्रेटर होता है वेन आर इज इक्वल टू एन बाई टू होगा, वेन एन इज इवन, ये इन चीजों को भी याद कर लीजिएगा, आर इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू और एन माइनस वन अपॉन टू वेन एन इज ऑड, तो ये कई कई बार ये एक्सेप्शंस भी आपको याद होने चाहिए। चलिए अब जैसे इनमें सपोज के लिए आपको कोई छोटा सा सवाल दे दे इस टॉपिक में आपका नाम देखो, जैसे जैसे आपको कह दिया कि नाउ इवैल्यूएट, बल्कि प्रूव ने इवैल्यूएट आपका नाउ
36 और प्लस 13C5 ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास ये, अगर आपने NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल r और n माइनस आपका r लगाया, तो देखो ये फैक्टोरियल 13 ओवर फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 13 माइनस 6 और प्लस आपका फैक्टोरियल 13 ओवर ये कितना हो गया फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 13 माइनस एम आई राइट। अब आपका देखो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो फैक्टोरियल 13 को आप कॉमन ले लो, नहीं लेते हो तो 13 इंटू क्या हो गया सर 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल का अपॉन फैक्टोरियल 6 और इंटू 13 में से 6 का कितना हो सर 7 7 ही हो तो आप करोगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे ही आप इसको ओपन करिएगा तो 6 से 6 निकला 7 से 7 निकला 6 2 सा 12 निकला सर ठीक हो गया और 5 2 सा और 2 से 2 2 सा 2 से 2 4 सा और 3 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 4 इधर से आया और एक तो इसका ये मेथड है अलग अलग आप निकालते अलग अलग निकाल दो नहीं तो एक मेथड इसका क्या है आपका देखो ये क्या था 13C6 प्लस 13C5 ये देखिए लुक इसको क्या करेंगे आपका तभी मैंने ये देखो क्या लिखा मैंने NCR प्लस NCR माइनस 1 इस गड़ो N प्लस 1 CR अब इसका इसको क्या लिख सकते हैं आपका 14C6 ये वाला फॉर्मूला 13 13 जब एन एन दोनों सेम हो ये देखो 6 है ये 6 माइनस 1 हो गया 5 हो गया उस समय आपका ये फॉर्मूला बनता है 14 6 क्लियर। इसलिए आपका नाम इस थोड़ा सा ये डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। अब आपका नाम इजीली यू कैन आपका नाम अब आपने क्या किया अब ये फिर NCR वाला फॉर्मूला लगा दीजिए फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल आर एन माइनस आर यूज कर दीजिए तो ना फैक्टोरियल 14 ओवर फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 14 माइनस 6 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 और इंटू ये फैक्टोरियल 8 हो जाएगा 14 में से तो ये फैक्टोरियल 8 तो ये हो गया इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल ठीक है और 3 4 जा ये 12 हो गया देखिए आपने और 5 2 जा ये 10 हो गया देखो आपने देखो जैसे और 3 2 जा 3 3 जा और 2 7 91 91 इंटू 3 और इंटू 11 हो जाता है इनको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आया 3 1 जा 3 3 9 जा 27 इंटू 11 11 3 जा 33 3 11 7 जा 77 एंड 3 80 8 अब 11 2 जा 22 एंड 8 3003 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखिए। तो जब आप द क्वेश्चन विच यू आर सॉल्विंग बेस्ड ऑन स्पेशली दिस कॉम्बिनेशन में अगर आप करते हैं तो आप फॉर्मूला जरा देख करके आप इसको आपका नाम ये जरूर देख लीजिए एग्जैक्ट क्लियर। और जी जी यही इसमें कई बार एक फॉर्मूला देखो NCR और प्लस NCR प्लस 1 ये प्रूफ भी करना होता है अपना N प्लस 1 और CR प्लस 1 ये भी आपका इसमें प्रूव करना होता है ऐसे भी कई बार ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। मतलब एक झलक थी आज बाकी कल करेंगे इसमें कभी कभी जिंदगी के थोड़ा सा अनुभव भी बांटने चाहिए बच्चों को कि माँ बाप जब
ज्यादा कर रहे हो आज, बता देना। आज डमीज के बारे में रावत सर को पूछा था, बाकी वो तो आकर के जो है किसी भी समय बात कर सकते हैं, नहीं तो संडे तो खाली होते हैं। कल का शनिवार होगा, कल आप कल ट्यूशन जाना, तो मैं फोन मम्मी के पास था, मेरे पास निकाले तो अलार्म बज जाता है, वो सोई थी।